हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी आलू की टिक्की। आपने तो बहुत खाई होंगी, लेकिन इस तरीके की टिक्की आप फर्स्ट टाइम खाएंगे। और ये बहुत ही चटपटी और एक अलग फ्लेवर की टिक्की हम बनाने वाले हैं, और इसको हम बनाने वाले हैं कुरकुरे से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, जिनको कि उबालकर मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। जब भी आप टिक्की बनाएं तो आलू को उबालकर पहले फ्रिज में रख दीजिए। ऐसा करने से जो टिक्की है वो बिखरती नहीं है तेल में जाने पर। तो देखिए, हम इसे मैश कर लेंगे। तो आप आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए, इसमें कोई भी गठान नहीं रहनी चाहिए। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरा धनिया हम इसमें डालेंगे, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। 2 चम्मच हम यहाँ पे मटर डालेंगे, नमक डाला है 1/2 चम्मच मैंने, और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इन सभी चीजों को हाथों से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे बाइंडिंग करने के लिए इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ चावल का आटा डाला है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और देखिए, मैंने इस तरीके से इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, इसमें कोई भी गठाने या लम्स नहीं होना चाहिए, एक पतला घोल हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से इसका घोल तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने नमक या कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, क्योंकि हम इसमें कुरकुरे का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही चटपटे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है। अब हम कुरकुरे के जो 2 पैकेट मैंने यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली वाले कुरकुरे लिए हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरे कुरकुरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर हाथों पर तेल लगाएंगे और छोटा छोटा भाग लेकर इसकी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। आप इसे अच्छे से शेप दे दीजिए। देखिए, हाथों से इस तरीके से आप इसे शेप दे दीजिए, और इस तरीके से हम सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर तेल को मैंने गर्म होने रख दिया है। अब हम एक टिक्की को इस तरीके से लेके स्लरी डिप करेंगे। तो हम इसको अच्छे से डिप कर लेते हैं, दोनों तरफ से डिप करना है, और इसे हम निकाल कर जो हमने कुरकुरे का पाउडर तैयार किया है इसमें अच्छे से कोट करेंगे। आप इसे हाथों से कोट कीजिए, बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाता है, और थोड़ा दबाते हुए कोट कीजिए, जिससे कि यह इस पर टिक्की में आसानी से चिपक जाए। अब हम इसे तेल पर डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो हम इसको डालकर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए, पलटते हुए हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको प्लेट पर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारी टिक्की में कितना प्यारा कलर आ गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो देखिए, हमने टिक्की प्लेट पर निकाल ली है, और बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हुई है। ऊपर से ये बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी है, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। खाने में बहुत ही मज़ेदार ये टिक्की लगती है। तो आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विथ नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।